तो हम आ चुके हैं जंगल सफारी से और रिजॉर्ट पहुंच चुके हैं। और हमारे रिजॉर्ट का नाम है कॉर्बेट व्यू। तो अब आपको दिखाएंगे कॉर्बेट व्यू में क्या झलकियाँ हैं, कुछ दिखाएंगे क्लिप्स दिखाएंगे इसके, तो हम आपको कल नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। तो इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय। तो चलिए मैं यहीं से आपका रूम टूर स्टार्ट करती हूँ। तो ये रूम है जिसमें ये लोग बैठे हुए हैं, हमारे सेम रूम है। ये हैं इन दोनों के भाई भाई। इसके बगल में है हमारा रूम, वहाँ से दिखाती हूँ। दोनों ही रूम सेम है। ये है जैगुआर्स डेन 306, ये है 307। तो ये है एंट्रेंस रूम का, ये दो सिटिंग एरिया है। यहाँ पे एसी लगा हुआ है, ये बेड है, ये हमारा कॉमन एंट्रेंस है दोनों रूम का। हम लोग यहाँ से एंट्री कर सकते हैं। ये टीवी है, ये मिरर लगा हुआ है लंबा, ये छोटा कबर्ड है, कबर्ड एरिया, ये वॉशरूम है, ये कबर्ड है। हम हट का प्लान कर रहे थे बट ऑलरेडी पूरा पैक था, इसलिए जो मिला वो ले लिया अभी यहाँ पे। तो यही है अभी रूम टूर। इसके बाद ये है बालकनी का व्यू। ये हट है जिसका हम प्लान कर रहे थे जो कि ऑलरेडी पूरा फुल है। तो चलिए अब चलते हैं लंच के लिए। तो दोस्तों देखते हैं खाने में क्या क्या है। ये है चिकन काली मिर्च, इसमें कुछ है? ये रोटी है, ब्रेड, नूडल्स, पनीर बटर मसाला, मिक्स वेज, आलू मटर है, सॉरी, कढ़ी पकौड़ा एंड राइस है। तो इसके बाद हम जाएंगे कोसी बैराज, अभी लंच एंजॉय करते हैं। चलिए आपको वहीं मिलते हैं। तो अभी हम होटल से बाहर आए हैं और ये है आपका रामनगर चौराहा। ये हीरो और हम ले रहे हैं गन्ने का जूस। यहाँ से नीचे को जाके है कोसी बैराज, तो बना है कोसी नदी में, तो वो हम आपको दिखाएंगे नेक्स्ट। तो चलिए इसके बाद सीधे जाके नदी में मिलते हैं आपको। तो ये है हमारे पीछे कोसी नदी जिस पर ये बैराज बना हुआ है, और ये है इधर पड़ता है रामनगर और इस साइड है काशीपुर बाईपास। तो वहाँ से आप काशीपुर की तरफ जा सकते हैं और इधर से जो रास्ता आ रहा है वो है हल्द्वानी से रास्ता आ रहा है। तो अभी हम आए हैं यहाँ पे नदी में विजिट करने के लिए। बैक में दिखाओ कितनी सारी बर्ड्स आ रही हैं, ये देखो कितनी प्यारी बर्ड्स आ रही हैं। और थोड़ा रिवर को भी दिखाइए, ये है रिवर, इस पर ये बैराज बना हुआ है, नीचे दिखाइए। ये इसका मैक्सिमम है जब रेड अलर्ट जारी होता है, या इस लेवल तक आप नॉर्मल वाटर है रिवर का। अभी वेदर भी अच्छा है, थोड़ा ह्यूमिडिटी ज़्यादा है हल्द्वानी से यहाँ पे, बट अच्छा है इवनिंग के टाइम पे। बर्ड्स दिखाइए, लोग यहाँ पे वॉक भी कर रहे हैं। तो ये है डैम के अपोजिट साइड जहाँ पे वाटर जो है उसका फ्लो कंट्रोल्ड है, जो एक्सपर्ट्स हैं वो अपने अकॉर्डिंग इसका फ्लो रखते हैं। तो यही था कोसी बैराज, चलिए आगे जाते हैं। तो अभी कोसी बैराज से वापस आ गए हैं और हम रुके हैं एक रेस्टोरेंट में, यहाँ पे कॉफ़ी और स्नैक्स खाएंगे, फिर उसके बाद रिजॉर्ट वापस जाएंगे जहाँ पर हम रुके हुए हैं। तो चलिए आपको मिलते हैं रिजॉर्ट वापस जाके, तब तक के व्यू इन्जॉय कीजिए। तो ये है रास्ते का व्यू, बहुत ग्रीन है क्योंकि अभी मॉनसून है, तो इस वजह से बहुत ग्रीनरी है यहाँ पे। जैसे कि आपने हमारी कॉर्बेट सफारी वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें भी बहुत ग्रीन था इस वजह से, और पानी भी अभी अच्छी क्वांटिटी में अवेलेबल है तो हमें दिख नहीं पाए ज़्यादा एनिमल्स, तो इसीलिए ज़्यादा ग्रीनरी है, मॉनसून है। और लेकिन वेदर वाइज बहुत अच्छा है, थोड़ी थोड़ी देर में कभी बारिश हो जा रही है, कभी ठंडा हो जा रहा है,
तो घूमने के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपने कॉर्बेट वाली वीडियो नहीं देखी है सफारी वाली, तो मैं यहाँ पे आई बटन में उसका लिंक अटैच कर दूंगी, आप प्लीज़ देखिएगा उसे। और अभी अभी होटल पहुँचते हुए शायद रात हो जाए, तो हम डिनर करके रेस्ट करेंगे। तो आपको मिलते हैं डायरेक्टली सुबह जब हम जाएंगे स्विमिंग के लिए। तो चलिए हम रिजॉर्ट में रेस्ट करते हैं, आपसे मिलते हैं मॉर्निंग में। तब तक आप रास्ता एंजॉय कीजिए और मिलते हैं सुबह। और हाँ, प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए अगर आपको अच्छी लगती है, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। जल्दी हम 1000 की फैमिली होने वाले हैं, तो प्लीज़ लाइक करिए और शेयर करके सब्सक्राइब कराइए। चलिए आपको मिलते हैं मॉर्निंग में। कौन कितनी देर रहता है पानी के अंदर? 1, 2, 3 तो बहुमत के साथ जीत गए हैं देवर जी। जरा देवर जी को उठा दिया जाए। विनर विनर चिकन डिनर। तो अब हम ब्रेकफास्ट करके निकल गए हैं रामनगर से बाहर की तरफ। तो अभी हम जा रहे हैं मेरी दीदी के घर, तो आपको मिलते हैं दीदी के घर पहुंच के। ब्रेकफास्ट हमने कर लिया है, तो बस उससे मिलना है क्योंकि रास्ते में उसका घर है, तो सोचा उससे मिलते हुए जाते हैं। तो चलिए आपको मिलते हैं दीदी के घर पहुँच के, तब तक आप इन्जॉय कीजिए रास्ते का व्यू। तो रिजॉर्ट से हम वापस आ गए हैं। अभी हम अपनी दीदी के यहाँ हैं। ये मेरी दीदी है, हाय प्रेमा दी। तो रिजॉर्ट का रिव्यू ऐसा था कि होटल बहुत अच्छा है, रिजॉर्ट बहुत अच्छा है और एम्बियंस भी बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ हैं कमियाँ, जैसे कि वहाँ पे फैमिली स्टे के लिए मुझे अच्छा नहीं लगा। बाकी आपको? थोड़ा होटल तो काफ़ी अच्छा था, लेकिन वही था कि जो बैचलर्स हैं उनके लिए अच्छा है, और अगर फैमिली के लिए अच्छा इसलिए नहीं थी क्योंकि ओपनली स्मोकिंग हो रही थी और ड्रिंकिंग हो रही थी पूल के पास में, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगा। तो इसलिए ओवरऑल अच्छा है, लेकिन खाना भी बहुत अच्छा है, लेकिन फैमिली टाइप नहीं है। हाँ, तो सब कुछ अच्छा था, सर्विस भी अच्छी थी, खाना भी बहुत अच्छा था वहाँ पे। ब्रेकफास्ट और लंच डिनर हमारा इंक्लूडेड था। अगर आप ऑनलाइन चेक करेंगे तो आपको 4200 समथिंग का पैकेज मिलेगा ये वाला। अदरवाइज़ प्रॉब्लम यही थी कि फैमिली लाइट हमको नहीं लगा। अदरवाइज़ ट्रिप बहुत अच्छी थी, आई होप आपने इन्जॉय किया होगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू ऑल। तो चैनल पे इसी तरह बने रहिए क्योंकि आने वाली है माता के दरबार वैष्णो देवी की व्लॉग सीरीज़। तो हम आपको उसमें दिखाएंगे कैसे लॉकडाउन के बाद आपको ट्रैवल करना है और मॉनसून में यात्रा कैसी चल रही है। तो चलिए आपको मिलते हैं नेक्स्ट वैष्णो देवी की व्लॉग सीरीज़ में। आप वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करिए।